मेरे पास सुईकुन, इंटेलियन, सिंड्रेस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास पिकाचू है। Meanwhile, हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और वो होने वाला है कि क्रैश ग्रेनिंजा रिटर्न आएगा कि नहीं, और मैं तुम्हें ए टू जेड एकदम अच्छे समझाने वाला हूँ कि वो आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। तो बिना किसी तरीके लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पोकेमॉन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पोकेमॉन कंपनी को क्या चाहिए कि उनका जो पोकेमॉन एनिम है वो सब लोग देखें और उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो यार अगर ग्रेनिंजा को रिटर्न नहीं करते जर्नीस में तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा फैंस निराश हो सकते हैं, क्योंकि ये पोकेमॉन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और अगर इसमें ऐश के ग्रेनिंजा का रिटर्न नहीं हुआ तो भाई तो पोकेमॉन नहीं रहेगा और सारे फैंस चले जाएंगे इसे छोड़कर। पोकेमॉन को कभी नहीं देखने वाला कोई, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम लोग भी ऐसे, तुम लोगों को भी बहुत गुस्सा आएगा, हालांकि तुम छोड़ोगे नहीं लेकिन गुस्सा तो यार सभी को आएगा। सो अब तुम कहोगे कि यार अगर ऐसी बात है, अगर आएगा तो अब तक रिटर्न हुआ क्यों नहीं ग्रेनिंजा का? तो यार इसके बारे में भी एकदम डिटेल में बात करते हैं। तो ग्रेनिंजा जो है, जैसे कि अभी जो ऐश के बाकी पोकेमॉन्स है, शायद पोकेमॉन कंपनी उन पोकेमॉन्स को स्क्रीन टाइम देना चाह रही है, क्योंकि जैसे गेंगार है, ड्रैकोफिश है, काफ़ी कम उन्हें स्क्रीन टाइम मिला है। ड्रैगनाइट को भी थोड़ा बहुत मिला है क्योंकि उसे बैटल्स में दिखाया गया, लेकिन उसकी कुछ ज़्यादा स्टोरी नहीं बताई गई, ना कुछ ऐसा उसके लिए कुछ नया किया गया। जैसे ऐश और लुकारियो का इतना अच्छा बॉन्ड दिखाया गया, गेंगार को जायगंटा मैक्स दिखाया गया, ड्रैकोफिश का भी कुछ नहीं दिखाया गया अभी तक। तो सो यार शायद अभी तो उनको स्क्रीन टाइम मिले, गेंगार पे एक पूरा एक एपिसोड बेस्ड हुआ था, लेकिन अभी भी उसे थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी इस महीने तो हमें ग्रेनिंजा बिल्कुल भी नहीं देखने वाला, लेकिन यार निराश मत होना, क्योंकि अभी जो है ना ऐश जो है वो हर एक पोकेमॉन रीजन में जर्नी कर रहा है। जैसे कि अभी वो सिनो जाके आ चुका है, अभी सिनो का अभी एक नया आने वाला है, जैसे लेजेंड आर्शिस आया तो उसमें हिसुई रीजन में वो ट्रैवल करेंगे। तो हाँ, तो वो शायद कालोस रीजन में भी जाए, और ग्रेनिंजा पे पूरा एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है जो कि 3-4 एपिसोड तक शायद चल सकता है, क्योंकि भाई ऐसा वैसा तो है नहीं ग्रेनिंजा, उसका नॉर्मल सा रिटर्न होगा तो उसके लिए कुछ बड़ा प्लान हो रहा होगा। तो तुम ऐसे मत सोचना कि ग्रेनिंजा आ गया, ऐश ने बैटल कर लिया उसके साथ रुक गया, भाई ऐसा नहीं, उसके साथ 3-4 एकदम अच्छे एपिसोड बनेंगे। और कालोस रीजन में शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि वापस से यवल्टल जो है वो वापस से जाग जाए। तो अब तुम कहोगे यार जो लाइसेंडर था वो तो अब चला गया, तो अब कहाँ से कोई कर सकता है ऐसा? तो है ना, जैसे कि अभी टीम रॉकेट का हमें दिखाया गया, तो टीम रॉकेट ऐसा हो सकता है कि जियोवानी जो है वो वहाँ पर कुछ अलग ही, कुछ उसके दिमाग में खुराफात आई हो और वो कुछ करना चाह रहा हो, तो शायद यवल्टल को जगा दे और सोचे कि सारे पोकेमॉन्स को ऐसे कब्जा कर लूँगा, फिर आराम से बेचूँगा, पैसे ही पैसे होंगे, तो कुछ ऐसे ही सोच रहा होगा वो। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें पूरा एक स्पेशल एपिसोड देखने को मिल सकता है, और शायद उसमें भाई यवल्टल वापस जाग जाएगा और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तहलका हो सकता है, जैसा हमें पोकेमॉन एक्स वाई के लास्ट एपिसोड में देखने को मिला था। तो यार ग्रेनिंजा अकेले इन सब चीज़ों को संभाल तो नहीं पाएगा, क्योंकि उसे ऐश की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐश और ग्रेनिंजा का बॉन्ड तुम जानती हो कितना ज़्यादा ताकतवर है, और अब तो ऐश काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है पुराने से, तो काफ़ी ज़्यादा तहलका हो सकता है। और यार उसके पहले भी 2-3 एपिसोड होंगे जिसमें शायद ऐश को प्रॉब्लम हो सकती है ग्रेनिंजा से साथ बैटल बॉन्ड इवॉल्व करने में यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद मिला है, तो शायद उसके पहले ट्रेनिंग करेंगे, फिर वो जाके टीम रॉकेट को हराएंगे, और यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं तुम्हें 101% गारंटी देता हूँ कि ग्रेनिंजा रिटर्न होने वाला है। पोकेमॉन जर्नी से जुड़े रहना, मेरे चैनल से भी जुड़े रहना, और यार सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।